सेकेंड ईयर लेक्चर 57। आज हमने इसमें पढ़ना है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के हवाले से आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर के हवाले से पढ़ता है, हम इसकी डेफिनेशन हवाले से करेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है कि जिसमें किसी वेरिएबल में की वैल्यू में एक का इजाफा करें, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एक एक का इजाफा करें। उसके लिए हम सिंपल भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे ए में अगर एक का इजाफा करना है तो पहले हम पढ़ चुके हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट में भी, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में भी पढ़ चुके हैं कि जैसे ए इज इक्वल टू ए प्लस वन लिख दें तो उसमें ए की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, या ए प्लस इज इक्वल टू वन लिख दें तब भी ए का इजाफा हो जाएगा। लेकिन उनसे एक प्रिसाइज एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर बनाया गया कि जिसमें दो बार अगर हम प्लस प्लस का ऑपरेटर लगा दें, दो बार प्लस प्लस का साइन होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर दो बार माइनस माइनस का होगा तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक का इजाफा करेगा और डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक की कमी करेगा। तो इसमें पहले हम डेफिनेशन ये देख लेते हैं। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाई वन। इट इज डिनोटेड बाई द सिंबल प्लस प्लस। इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर दो ऑपरेटर की टाइप्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, यूनरी एंड बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर जिसके लिए एक ऑपरेंट की जरूरत होती है, और बाइनरी जिसके लिए दो ऑपरेंट की जरूरत पड़ती है। तो उसमें ये यूनरी ऑपरेटर है क्योंकि इसके साथ एक ही वेरिएबल यूज़ किया जा सकता है, मोर देन वन वेरिएबल के साथ ये एक ऑपरेटर यूज नहीं होगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट एंड एक्सप्रेशन। किसी भी कॉन्स्टेंट या एक्सप्रेशन के साथ इसको यूज़ नहीं कर सकते। हमने पहले कहा कि ये किसी वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा करता है, तो कांस्टेंट में तो इजाफा नहीं होगा। जैसे अगर हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल ए प्लस प्लस, तो उसमें क्या करेगा, एक में एक का इजाफा कर देगा वैल्यू में, या प्लस प्लस ए, तो इससे मुराद वही है कि एक का इजाफा कर देगा। अभी फिलहाल आप यही समझेंगे कि इसमें प्लस प्लस पहले हो या प्लस प्लस बाद में हो, तो दोनों का मकसद एक का इजाफा करना ही है, तो ए की वैल्यू में एक का इजाफा करते हैं। लेकिन अगर इसको आप किसी कांस्टेंट के साथ यूज़ करते हैं कि 10 प्लस प्लस, तो 10 में तो इजाफा नहीं करेगा क्योंकि 10 कोई उसमें मेमोरी एरिया नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है कि जिसमें एक का इजाफा कर दें, या फिर एक्सप्रेशन है कि ए प्लस बी प्लस प्लस। अब ये प्लस प्लस का सिंबल है, ये पूरी एक्सप्रेशन पर अप्लाई नहीं हो सकता, ये किसी एक वेरिएबल के साथ यूज़ हो सकता है, या फिर प्लस प्लस ए प्लस बी, तो ये एक्सप्रेशन के साथ भी यूज़ नहीं हो सकता। इसकी दो टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि ए प्लस प्लस है और प्लस प्लस ए है। इन दो टाइप्स को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स से मुराद प्री से, इसको आप याद रखने के लिए कि प्रीफिक्स कौन सा है और पोस्टफिक्स कौन सा है, तो प्री से मुराद होता है पहले और पोस्ट से मुराद बाद में। तो ऑपरेटर अगर पहले लगा होगा वेरिएबल से मुराद से, तो उससे मुराद क्या होगा, प्रीफिक्स। ऑपरेटर अगर बाद में होगा तो उससे मुराद पोस्टफिक्स। तो जैसे यहाँ पर देखें प्लस प्लस ए, तो ऑपरेटर पहले है वेरिएबल से तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स, और यहाँ पर ऑपरेटर बाद में है तो इसे हम क्या कहेंगे, पोस्टफिक्स। अगर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों अगर सिंगल एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहे हों, यानी अगर ए प्लस प्लस बस यही स्टेटमेंट है, और ए प्लस 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 ए ये भी सिंगल स्टेटमेंट है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों का मकसद एक का इजाफा होगा। लेकिन जब हम इसको किसी लार्ज एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर इनका इफेक्ट दोनों का डिफरेंट होता है। तो इसमें इन प्रीफिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल एज फॉलोज, प्लस प्लस जैसे वाई है। पोस्टफिक्स में इन ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल, तो जैसे वाई प्लस प्लस है। तो इसमें डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है कि व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इंडिपेंडेंटली प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क सिमिलरली। कि अगर इंडिपेंडेंटली यूज हो रहे हैं, जैसे अगर स्टेटमेंट में आप लिख देते हैं ए प्लस प्लस फिर प्लस प्लस ए, तो दोनों स्टेटमेंट का मकसद एक का इजाफा करना ही होगा। लेकिन अगर इसको लार्ज एक्सप्रेशन में हम यूज़ करते हैं, बट व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन लार्जर एक्सप्रेशन विद अदर ऑपरेटर्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म्स वर्क डिफरेंटली। अब डिफरेंटली कैसे होता है, इसमें
पहले हम देख लेते हैं कि यहां पर प्रीफिक्स में क्या इफेक्ट होता है। प्रीफिक्स में जैसे स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू प्लस प्लस बी, अब यहां पर कितने ऑपरेटर हैं, दो, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल का, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस का। अब ये लार्ज एक्सप्रेशन होगी क्योंकि इसमें सिंगल ऑपरेटर नहीं है, मोर देन वन ऑपरेटर है, तो इसमें इसका इफेक्ट ये होगा कि पहले एक का इजाफा करेगा फिर कोई और एक्शन परफॉर्म करेगा। अब वो दूसरा एक्शन जो है वो इक्वल का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, मल्टीप्लाई का भी हो सकता है, डिवाइड का भी हो सकता है, कोई भी एक्शन जो फर्दर होगा उससे पहले क्या करेगा, एक का इजाफा करेगा फिर दूसरा। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इसमें कि इट दो स्टेप में इसमें आ जाता है कि इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ बी बाय वन, पहले स्टेप में क्या करेगा, बी में एक का इजाफा करेगा, दूसरे स्टेप में इट असाइंस द वैल्यू ऑफ बी टू ए, उसके बाद बी की वैल्यू को ए में, क्योंकि इक्वल है तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो बी की वैल्यू इधर ए में ट्रांसफर होगी। अब अगर इसकी बजाय कोई और स्टेटमेंट होती, जैसे अगर हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई करा रहे होते वैल्यू, तो पहले एक का इजाफा करेगा फिर मल्टीप्लाई करेगा, यानी इसमें प्रीफिक्स में पहले एक का इजाफा करता है फिर उसके बाद उसको फर्दर जो भी एक्सप्रेशन होगी उसमें यूज करेगा लार्ज एक्सप्रेशन में। आगे इस चैप्टर की जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम उसको फर्दर हम देखेंगे इसको। इसमें द अबव स्टेटमेंट इज इक्वलेंट टू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, कि अगर हम इस एक एक्सप्रेशन की बजाय दो स्टेटमेंट लिखें तो इस तरह भी हो सकता है कि पहले प्लस प्लस बी के इसमें क्या करेगा, एक का इजाफा करेगा फिर बी की वैल्यू को ए में स्टोर कर देगा। अब इसमें दो लाइनें लिखने की बजाय हम इस तरह एक लाइन में भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू प्लस प्लस बी, तो वही इफेक्ट होगा कि पहले एक का इजाफा कर देगा फिर ए की वैल्यू बी में स्टोर कर देगा। इसी की हम एक एग्जाम्पल देखते हैं आगे यहीं पर कि इंटीजर ए और बी, तो हमारे पास वेरिएबल है ए और बी, ए में हमने क्या स्टोर कर दिया, फाइव, ए में फाइव स्टोर किया, बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, अब पहले ए में एक का इजाफा करेगा फिर उसको किस में स्टोर कर देगा, बी में। अब ए में जब एक का इजाफा करेगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिक्स, सिक्स को जब बी में ट्रांसफर करेगा तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ ए सिक्स है, वैल्यू ऑफ बी भी सिक्स है, यानी पहले एक का इजाफा किया ए में फिर उसके बाद बी में ट्रांसफर कर दिया। अब इसके अगेंस्ट अगर हम पोस्ट फिक्स में देखते हैं, स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू बी प्लस प्लस, अब इसमें ऑपरेटर बी के बाद है तो इसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट फिक्स। अब लार्जर एक्सप्रेशन है क्योंकि दो ऑपरेटर हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो इसमें उसके रिवर्स में ये एक्शन परफॉर्म होता है। उसमें पहले क्या था, पहले एक का इजाफा किया था वेरिएबल में फिर उसके बाद वैल्यू असाइन हुई, इसमें उसके रिवर्स में है कि पहले वैल्यू असाइन करेगा फिर एक का इंक्रीमेंट करेगा। इट असाइंस द वैल्यू ऑफ ए टू बी, इट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ बी बाय वन, उसके बाद एक का इजाफा करेगा। द अबव स्टेटमेंट इज इक्वल टू, कि पहले बी की वैल्यू ए में असाइन हो गई फिर उसके बाद इसकी हम एग्जांपल अगर देखें, दो वेरिएबल ले लिया हमने ए और बी, ए में क्या स्टोर कर दिया, फाइव, बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, अब पहले क्या करेगा, ए की वैल्यू किसमें स्टोर कर देगा, बी में। ए में कौन सी वैल्यू है, फाइव, फाइव वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगी, बी में, उसके बाद ए में एक का इजाफा कर देगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी। अब इसमें अगेन तो इक्वल का ऑपरेटर परफॉर्म नहीं होगा कि हर ऑपरेटर एक बार परफॉर्म होगा, तो पहले वैल्यू फाइव ट्रांसफर कर चुका होगा फिर एक का इजाफा कर देगा, तो ए की वैल्यू सिक्स है बी की वैल्यू फाइव है, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट करने से पहले उसने एक का इजाफा कर दिया फिर उसने वैल्यू उसमें स्टोर कर दिया, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू सिक्स, बी इज इक्वल टू फाइव, इसमें यहाँ पर दिया जाएगा। अब इसी को हम एक प्रोग्राम की मदद से एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर वही जो जिस तरह किताब में प्रोग्राम बना हुआ है इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल कितने ले लिए, ए बी एक्स और वाई, चार वेरिएबल ले लिए। स्क्रीन क्लियर कराई
चारों वेरिएबल में कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट की मदद से हमने जीरो स्टोर करा लिया, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो की वैल्यू चारों वेरिएबल में आ गई। अब अगर यहाँ पर देखते हैं तो बी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। अब यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर है, ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है। पोस्ट फिक्स ऑपरेटर क्या करता है, पहले वैल्यू ट्रांसफर करेगा फिर एक का इजाफा करेगा। तो ए की वैल्यू, ए में क्या वैल्यू है, जीरो, जीरो किसमें ट्रांसफर कर दी, बी में, उसके बाद ए में एक का इजाफा कर दिया। तो ए की वैल्यू वन हो गई, बी की वैल्यू हो गई जीरो। अब यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू, आगे हमने प्रिंट करा दिया, बी की वैल्यू भी प्रिंट करा दी। अब ए में क्या वैल्यू, वैल्यू प्रिंट, ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, वन, और बी की वैल्यू जीरो। क्यों, कि पहले ए की वैल्यू जीरो थी तो उसने पहले असाइन करा दी फिर उसके बाद। अब पहले हम इसी को, ए और बी की वैल्यू को हम चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखें ए में क्या वैल्यू है, वन है, और बी में जीरो है। यहाँ पर क्योंकि उसमें पहले उसने वैल्यू ट्रांसफ़र कर दी थी, बाद में एक का इजाफा किया। वाई इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। अब इसमें एक एक्स में ए, ये प्रीफिक्स ऑपरेटर है, प्रीफिक्स ऑपरेटर में पहले एक का इजाफा करेगा फिर उसके बाद उस वैल्यू को असाइन करेगा। अब यहाँ पर एक्स में पहले एक का इजाफा करेगा, कितनी वैल्यू हो गया एक्स में, वन, क्योंकि पहले एक्स में ज़ीरो था तो वन हो गया। वन आगे फिर वाई में ट्रांसफ़र करेगा तो दोनों वेरिएबल के अंदर वन होगा। तो इसमें एक्स में भी वन और वाई में भी वन। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन, दोनों वेरिएबल में वन होगा। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है। फर्दर हम उसको एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल्स होंगी उससे हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, सेम ही है इससे, उसको पढ़ेंगे और आगे साथ डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।